CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है कब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे-धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे के नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की।
कब आऊं? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख आर एस त्रिपाठी, कलाकार सुनीता चौहान, बाबला कोचर और कीमती आनंद, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।